नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल, भूख प्यास से परेशान जवानों ने वापस गृह ग्राम भिजवाने की लगाई गुहार। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुए। इस दौरान चुनाव में शांति व्यवस्था संभालने से लेकर कई अन्य कार्यों के लिए होमगार्ड तैनात किए गए थे। इस चुनाव में इन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी। सभी जवानों को अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश बुलाया गया था, लेकिन मतदान होने के बाद इनकी सुध लेने वाला ही कोई नहीं है। मतदान समाप्त होते ही सभी होमगार्ड ने अपने अपने राज्य की ओर लौटने की तैयारी की थी, लेकिन वापसी के लिए इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। ट्रेन लेट होने की वजह से होमगार्ड जवानों को हमलापुर के छात्रावास में समय व्यतीत करना पड़ रहा है। साथ ही बुखार से पीड़ित होने के बाद भी प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली, जिसके बाद सभी में आक्रोश देखने को मिला। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में अन्य राज्यों से कर्मचारी बुलाए गए थे। इसी क्रम में बैतूल में भी कर्नाटक से लगभग 4000 होमगार्ड के जवान आए थे। जिले के अलग अलग भागों में ड्यूटी कर रहे थे। चुनाव समाप्त होने के बाद सभी होमगार्ड के जवान अपने अपने क्षेत्र में वापस जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जिले में पर्याप्त सुविधा न मिलने और ट्रेन अधिक लेट हो जाने के कारण होमगार्ड के जवानों का गुस्सा फूट पड़ा है। होमगार्ड जवानों ने बताया कि उन्हें छत्रावास में ठहराया गया है। 11 तारीख से हम यहां रुके हुए हैं। कोई एक अधिकारी ने आकर हमारी सुध नहीं ली है। 18 को रवाना होना था, अधिकारी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। होमगार्ड सैनिकों का आरोप है कि जिला प्रशासन जो खाना उन्हें दे रहा है, एक तो वह बहुत कम रहता है, दूसरा उसकी गुणवत्ता भी खराब है। पीने को पानी और सोने के लिए बिस्तर भी नहीं दिया गया। बीते एक सप्ताह से सभी होमगार्ड सैनिक ठंडे फर्श पर चादर बिछाकर सोने को मजबूर है, जिसकी वजह से सैनिक बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं है। उन्हें घर जाने की चिंता सता रही है। होमगार्ड सैनिक रवि कोड़ी ने बताया कि किसी जवान के घर पर बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है, किसी के परिवार में कोई परेशानी है, ऐसी स्थिति में भी जवान यहां फंसे पड़े हुए हैं। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। जी बताएं, अपना नाम बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं। मेरा नाम रवि कुमार कोड़ी, बेलगांव का यूनिट ऑफिसर प्लेटून कमांडेंट हूं। हम एमपी में इलेक्शन आए थे, इलेक्शन के हमको जाने का था। अभी पांचवा दिन चालू है, हम नहीं गए। हमारा जो उच्च अधिकार है, जो हमारा नोडल अधिकारी होते हैं कमांडर सर, पटेल सर, वो तो हमका कॉल भी नहीं रिसीव करते, हमारे पास नहीं आ रहे। अभी हमारा इतना प्रॉब्लम है, आज तो किसी हालत में जाते करके ट्रेन बुक हुआ करते, हम लोग सब बैग लेके बाहर आए। अभी हमको जाने को नहीं हो रहा। कुछ हमारा यहाँ फूड का भी प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग खाना सूट नहीं हो रहा है, तबियत बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। कुछ लोग को डिसेंट्री वो प्रॉब्लम हो रहा है, रहने का नहीं, घर में भी बहुत प्रॉब्लम है। जो कुछ लोगों का दादी गुजर गए है, कुछ लोगों का शादी का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को बीबी बच्चे का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हमको किसी भी हालत में यहाँ से जाने का है। गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट से हम इतना रिक्वेस्ट करते हैं, हमको किसी भी हालत में आज यहाँ से भेजो, लेके जाओ। इतना हमारा सबका, जितना हमारा बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का, कर्नाटक से सब आए ना, सबसे तरफ से एक निवेदन है गवर्नमेंट को। कितना स्टाफ है आपका, कितने लोग हैं? एक हम लोग 4000 लोग आए कर्नाटक से टोटल में। अभी कितने बाकी रह गए? सभी इधर ही बाकी है। 1400 यहाँ है ना, 1400 लोग है, सभी इधर है। बैतूल में हम 1400 लोग आए, सब लोग इधर है, कोई भी गए नहीं। ठीक, थैंक यू। आपके